एक जर्मन मैगजीन है डर स्पिगल करके, उसमें एक कार्टून ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो दिखाया गया कुछ टाइम पहले। सब्जेक्ट बेसिकली ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, जो कि ठीक है सबको पता ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको दिखाया किस तरह से गया। इंडिया में दिखाया गया कि एक ओवरक्राउडेड ट्रेन है जो जिसके ऊपर बाहर सब जगह लटक रखे हैं लोग, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, और चाइना को ऐसे दिखाया गया है कि भाई वो एक सोफिस्टिकेटेड बुलेट ट्रेन में बैठे हुए सब लोग। कुछ लोगों ने इस कार्टून को रेसिस्ट बोला इंटरनेट पे, कुछ लोगों ने मजाक कर लिया, कुछ लोगों का कुछ और ओपिनियन है, लेकिन बात तो यह है ना कि 2023 में इंडिया ऐसा तो नहीं दिखता कि लोग चढ़ रखे ट्रेन के ऊपर ये वो। पिछले कुछ टाइम में इंडिया ने इतना ज्यादा ग्रो किया है ना कि इन लोगों की फटी हाथ में आ गई है, सच बता रहा हूं। इंडिया के पास सारी मॉडर्न सस्टेनेबल मशीन है, वंदे भारत जैसी ट्रेन है इंडिया में, यूरोपियन ट्रेन को टक्कर दे रही है। जर्मनी का एक ट्विटर यूजर है, उसने ये लिखा कि भाई जर्मनी में सिर्फ 61% ही जो रेलवे लाइन है वो इलेक्ट्रिक है, और इंडिया में कितनी है 85%, 85% उनसे 24% ज्यादा। देखो वेस्टर्न कंट्री सिंपली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि इंडिया जो है इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे कर पा रहा है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश वो सब कैसे कर पा रहा है जो ब्रिटेन और जर्मनी कर पा रहा है, वो भी पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसियों के साथ वेस्टर्न हेल्प के बिना, ये सब कैसे कर सकता है इंडिया, ये सब अनडाइजेस्टेबल है भाई वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी मीडिया, उनके रिपोर्टर्स के लिए। तो क्या कर रहे हैं, कार्टून बनाएंगे बनाते